जनपद बरेली के नामचीन स्कूल सेंट फ्रांसिस में बच्चों के अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी अभिभावक धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक इसका मुख्य कारण सिख समाज के बच्चों को स्कूल प्रबंधन द्वारा धार्मिक चिन्ह धारण न करने देना बताया जा रहा है। बुधवार को स्कूल प्रशासन ने करीब 40 बच्चों को बुलाकर उनसे कहा था कि वह स्कूल में कड़ा, कृपाल आदि धारण करके न आए, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे से ही सिख समाज के लोग भारी संख्या में पहुंच गए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही स्कूल प्रशासन द्वारा धार्मिक चिन्हों के धारण करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग की। हमको शिकायत मिली थी कि यहाँ सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर यहाँ की प्रिंसिपल ने सिख बच्चों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया है और उनको कुछ टिप्पणी ऐसी कर दी है, उनके जो धार्मिक पहनावा है, पगड़ी, कड़ा और कपाल के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई है। तो आज उनका रोष था, हम लोग संजय नगर गुरुद्वारा में मीटिंग हुई, वहाँ पे बात तय हुआ कि स्कूल में प्रिंसिपल से जाके बात करेंगे। हमने बिशप इग्निशियस डिसूजा से बात करी, वो भी यहाँ मौजूद थे और बातचीत में प्रिंसिपल ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगी है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो रिटर्न में भी प्रेस रिलीज जारी कर देंगे कि धार्मिक सिख बच्चे जो भी अपनी धार्मिक पहनते हैं, पहनावा है उनका, उन पर कोई भी पाबंदी लगेगी, बच्चे जैसे आ रहे हैं वैसे ही आए। मामला इससे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों से मैंने बात की, जो बच्चों का तरफ से जो रिलीजियस आर्टिकल पहन के हुए, उसी से बच्चे लड़ना शुरू किया। वो छोटे छोटे बच्चों को चोट हो गया, वो पेरेंट की तरफ से कंप्लेंट भी थी, इसलिए मैंने बच्चों से खड़ा पहनना मना किया। ऐसे मना नहीं किया, मैं पीटी सर से, वो पीटीए टीचर्स के बोला, उसके लिए थोड़ा निकाल को पेरेंट्स को बुला के दे दो। पेरेंट्स को बुला के जो पेरेंट्स आया वो लेके गया है। जो बच्चे को बुलाकर मैंने इसके बीच में टीचर से बात की, ये खड़ा छोटा पहन के भी आ सकते हैं, उसको कोई इतना हेवी पहन के कोई ज़रूरत नहीं। वो बच्चे इधर आ गया, बच्चों से बात हो गई, उसके दौर पर इसने बड़ा हंगामा बनाया, हम बोल सकते हैं। इसी के अलावा बच्चों कोई धर्म का शब्द मैंने नहीं कहा, अगर क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान कोई शब्द मेरे नाम से नहीं, मुँह से नहीं निकला। और न्यूज़पेपर में भी ऐसे कुछ बात हो गई, मैंने जो मरण तक बच्चे ऐसे पहना, ऐसे शब्द मेरे दिमाग में भी नहीं है, ऐसे शब्द ऐसे मैं ऐसे कुछ बताया। तो आरोप है कि आपकी तरफ से कहा गया था कि पगड़ी या कड़ा या कृपाण लेके आएंगे तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। बिल्कुल मैंने बताया नहीं, हम 35 ईयर्स से हमारे स्कूल में ये कुर्बान, खड़ा, सब ये पगड़ी पहन के बच्चे स्कूल में आते हैं। इस साल में कोई नया कानून हम लोग ने बनाया नहीं है। ये बहुत टॉपिक दूसरा है, मैं इनको ये टॉपिक से टिका वो हम अपने स्तर पे ठीक है, ये अभी स्कूल आ सकते हैं, उनको रोका तो नहीं जाएगा। हमने बताया नहीं है, आज भी पत्ते बच्चे आ गया, इसे रोके तो कोई बच्चे आज आना नहीं चाहिए था। आज भी काफ़ी बच्चे आ गए, टर्बन पहन के भी बच्चे आ गए, मैंने किसी बच्चे से पूछा भी नहीं है, ऐसे मेरे तरफ से एक शब्द भी नहीं निकला।